यूपी के पशुधन दुग्ध विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास की सोच से प्रभावित होकर मुस्लिम समाज भी अब भाजपा के समर्थन में आगे आ रहा है। मुस्लिम बहुल रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा की जीत इसका बड़ा उदाहरण है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा फिर अपनी ताकत दिखाएगी। अखिलेश सिपाल मिलन बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची से सतीश मिश्रा का नाम गायब होने को लेकर उठे सवालों पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सपा और बसपा एक परिवार की पार्टियां हैं और वैसी ही इनकी छोटी सोच है। भाजपा पूरे देश के लोगों की पार्टी है। बरेली की पराग फैक्ट्री में मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बरेली पराग में बनने वाली आइसक्रीम अब यूपी के सभी हिस्सों में अपनी मिठास घोलती नजर आएगी। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। आप भी देखिए और क्या क्या बोले कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। उत्तर प्रदेश में पहला आइसक्रीम प्लांट का पहला केंद्र है जो आइसक्रीम बना रहा है और ये आइसक्रीम उत्तर प्रदेश की सभी पराग डेयरियों में यहाँ से आपूर्ति की जाएगी। दूसरा, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो, किसान की आय दोगुनी हो, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि किसान की आय दोगुनी हो, निश्चित रूप से कोई ना कोई चुनाव मैदान में होगा। सपा बसपा कांग्रेस ये राष्ट्रीय दल नहीं है, क्षेत्रीय दल, और इनका पारिवारिक दल है और पारिवारिक सोच है। अभी तक ये तीनों दल मुसलमानों को अपना वोट मानते थे, अब ये वोट मुसलमानों का इन तीनों दलों से छिटक रहा है। प्रमाण है, रामपुर में पसमांदा समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, बरेली में पसमांदा समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, महिलाएं भी इन्होंने भागीदारी की राजनीति के एक परिदृश्य पर। दूसरा, एक उदाहरण के तौर पर रामपुर की लोकसभा की सीट जीते हैं जो मुस्लिम बाहुल है, आजमगढ़ की लोकसभा की सीट जीते हैं जो मुस्लिम बाहुल है। ये प्रमाण है कि मुसलमानों का वोट अब भारतीय जनता पार्टी को प्रखरता से मिल रहा है। जो माननीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये देश सबका है और सबके प्रयास से आगे बढ़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ विजय हासिल करें।